Friends, welcome to your channel, you number one. Friends, 10th December 2021 में रिलीज हुआ डायरेक्टर अभिषेक कपूर एंड लीड रोल आयुष्मान खुराना एंड बानी कपूर का मूवी चंडीगढ़ करे आशिकी मूवी ने इस पैंडेमिक टाइम में ओपनिंग डे में बहुत बढ़िया तो नहीं बट एक ठीक ठाक कलेक्शन किया था। चंडीगढ़ करे आशिकी मूवी ने ओपनिंग डे में कलेक्शन किया था 3.75 करोड़, जहाँ पर मूवी का फर्स्ट वीक कलेक्शन था 22.61 करोड़, जो फर्स्ट वीक तक एक ठीक ठाक कलेक्शन है। बट फर्स्ट वीक के बाद मूवी का कलेक्शन बहुत ही ज्यादा डिक्रीज हुआ था। मूवी ने सेकंड वीक में कलेक्शन किया था 3.86 करोड़, थर्ड वीक में कलेक्शन किया था 1.01 करोड़, फोर्थ वीक में कलेक्शन किया था जस्ट 65 लाख एंड इस वीक में यानी फिफ्थ वीक में कलेक्शन किया है जस्ट 10 लाख। सो नाउ चंडीगढ़ करे आशिकी मूवी ने टोटल लाइफ टाइम में कलेक्शन किया है 28.23 करोड़, जो मूवी का बजट 35 करोड़ को देखते हुए बिलो एवरेज कलेक्शन है। और आपको बता दें फ्रेंड्स, मूवी ने अभी तक टोटल वर्ल्ड वाइड से कलेक्शन किया है 38.60 करोड़, और इसके साथ इस मूवी का कलेक्शन यही पर ही दायन होते हैं। तो फ्रेंड्स, आप चलिए देखते हैं स्पाइडरमैन नो वे होम मूवी का कलेक्शन। फ्रेंड्स, इंडिया में 16th डिसंबर 2021 में रिलीज हुआ स्पाइडरमैन नो वे होम मूवी ने ओपनिंग डे से ही आउटस्टैंडिंग कलेक्शन किया है इंडियन बॉक्स ऑफिस में। मूवी ने ओपनिंग डे में इंडिया से कलेक्शन किया था 32.67 करोड़ एंड मूवी का फर्स्ट वीक कलेक्शन था 148.07 करोड़। फर्स्ट वीक के बाद भी मूवी ने अच्छे खासे कलेक्शन किया था। मूवी ने सेकंड वीक में कलेक्शन किया था 41.60 करोड़, थर्ड वीक में कलेक्शन किया था 17.64 करोड़, और इस वीक में यानी फोर्थ वीक में स्पाइडरमैन नो वे होम मूवी ने इंडिया से कलेक्शन किया है 4.14 करोड़ एंड कल यानी 13 डे में स्पाइडरमैन नो वे होम मूवी ने कलेक्शन किया है लगभग 20 लाख। So, इंडिया से स्पाइडरमैन नो वे होम मूवी ने टोटल कलेक्शन कर चुके हैं 211.65 करोड़, जो इंडियन बॉक्स ऑफिस में ब्लॉकबस्टर हिट कलेक्शन है। सिर्फ इंडिया में नहीं फ्रेंड्स, मूवी ने यूएसए एंड अदर टेरिटरी में भी बेहतरीन कलेक्शन किया है। मूवी ने नॉर्थ अमेरिका से टोटल कलेक्शन कर चुके हैं 677.9 मिलियन डॉलर एंड अदर टेरिटरी यानी टोटल ओवरसीज से कलेक्शन किया है 868.6 मिलियन डॉलर, और इसके साथ ही मूवी का टोटल वर्ल्ड वाइड से कलेक्शन हो चुके हैं 1.547 बिलियन डॉलर यानी 11,507 करोड़, जो 200 मिलियन डॉलर बजट को देखते हुए ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर हिट मूवी है। तो आप चलिए देखते हैं इस मूवी का वन डे बाद रिलीज हुआ पुष्पा मूवी का कलेक्शन। फ्रेंड्स, कोरोना वायरस का न्यू वेरिएंट ओमिक्रॉन के वजह से बहुत स्टेट में लॉकडाउन है, बट फिर भी पुष्पा मूवी ने हिंदी वर्षन में बेहतर कलेक्शन किया है इस वीक में भी। पुष्पा द राइज मूवी ने ओपनिंग डे में हिंदी वर्षन में कलेक्शन किया था 3.33 करोड़, जहां पर मूवी का फर्स्ट वीक कलेक्शन था 26.89 करोड़। फर्स्ट वीक को देखते हुए सेकंड वीक में हिंदी वर्जन में पुष्पा मूवी ने बेहतरीन कलेक्शन किया था। मूवी ने सेकंड वीक में कलेक्शन किया था 20.20 करोड़, जहां पर थर्ड वीक में मूवी कलेक्शन और भी बढ़िया हुआ था। मूवी ने थर्ड वीक में हिंदी वर्जन में कलेक्शन किया था 25.40 करोड़, और इस वीक में बहुत जगह पर लॉकडाउन होते हुए भी मूवी ने फोर्थ वीक में हिंदी वर्जन में बढ़िया कलेक्शन किया है। मूवी ने इस वीक में यानी फोर्थ वीक में हिंदी वर्जन में कलेक्शन किया है 11.45 करोड़, जहां पर फ्रेंड्स कल यानी 14th जनवरी 2022 में पुष्पा मूवी का हिंदी वर्जन ओटीटी प्लेटफॉर्म अमेजन प्राइम वीडियो में रिलीज होने के बाद भी मूवी का कलेक्शन ज्यादा डिक्रीज नहीं हुआ है। मूवी ने कल यानी 29th डे में हिंदी वर्जन में कलेक्शन किया है लगभग 75 लाख, और इसके साथ हिंदी वर्जन में मूवी ने टोटल कलेक्शन कर चुके हैं 84.69 करोड़, जो हिंदी वर्जन में 40 करोड़ बजट को देखते हुए सुपर हिट कलेक्शन है। तो फ्रेंड्स, आप चलिए देखते हैं इस मूवी का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन। फ्रेंड्स, साउथ इंडियन मूवी ने साउथ इंडिया में कितना कलेक्शन किया है ये बताना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि इसका कोई ऑफिशियल रिपोर्ट नहीं है, हर एक जगह पर अलग अलग बताया जाता है। जैसे एक रिपोर्ट के अनुसार अभी तक मूवी ने टोटल वर्ल्ड वाइड से कलेक्शन कर चुके हैं लगभग 246 करोड़ अप्रोक्सीमेटली, तो और एक रिपोर्ट के अनुसार मूवी ने 301 करोड़ कलेक्शन कर चुके हैं वर्ल्ड वाइड से।
एंड एक और रिपोर्ट के अनुसार पुष्पा द राइज मूवी ने टोटल वर्ल्ड वाइड से कलेक्शन कर चुके हैं लगभग 342 करोड़ अप्रोक्सीमेटली। हालांकि फ्रेंड्स मुझे ये नहीं पता है इस कलेक्शन में से कौन सा कलेक्शन थोड़ा सा भी सही है, बट आपको ये जरूर बता सकते हैं इस मूवी का कलेक्शन बहुत पहले ही साउथ इंडिया में खत्म हो चुका था, बट हिंदी वर्जन में मूवी ने आउटस्टैंडिंग कलेक्शन किया था। एंड 180 करोड़ बजट को देखते हुए ये मूवी एक सक्सेसफुल मूवी बन चुका है। तो फ्रेंड्स आप चलिए बता दें 83 मूवी का कलेक्शन। फ्रेंड्स 24th December 2021 में रिलीज हुआ 83 मूवी ने ओपनिंग डे से ही बहुत बढ़िया तो नहीं बट एक ठीक ठाक कलेक्शन किया था। 83 मूवी ने ओपनिंग डे में कलेक्शन किया था 12.64 करोड़ एंड मूवी का फर्स्ट वीक कलेक्शन था 71.87 करोड़। फर्स्ट वीक के बाद मूवी कलेक्शन बहुत ही ज्यादा डिक्रीज हुआ था। मूवी ने सेकंड वीक में कलेक्शन किया था 25.13 करोड़ एंड इस वीक में मूवी कलेक्शन और भी कमजोर हुआ है। मूवी ने इस वीक में यानी थर्ड वीक में कलेक्शन किया है जस्ट 5.27 करोड़, कल यानी 22nd डे में कलेक्शन किया है लगभग 15 लाख। सो नाउ मूवी का टोटल कलेक्शन हो चुका है 102.42 करोड़, जो हाई बजट मूवी यानी 200 करोड़ बजट को देखते हुए एक सुपर फ्लॉप कलेक्शन है। बट फ्रेंड्स मूवी ने ओवरसीज मार्केट में बढ़िया कलेक्शन किया है। फ्रेंड्स 83 मूवी ने टोटल ओवरसीज से अभी तक कलेक्शन कर चुके हैं 60.80 करोड़ और इसके साथ ही मूवी का टोटल वर्ल्ड वाइड से कलेक्शन हुआ है लगभग 183 करोड़, जो ओवरसीज मार्केट में तो बेहतर कलेक्शन है बट टोटल वर्ल्ड वाइड में बढ़िया कलेक्शन नहीं है। सो फ्रेंड्स इस वीडियो में जितना ही एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।